सुप्रभात बच्चों, आप लोगों ने अपने घर में चूहा और बिल्ली को देखे हैं ना आँख मिचौली करते हुए। आइए हम लोग आज मज़ेदार कविता चूहो म्याऊ सो रही है पढ़ते हैं, ठीक है ना। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूछ संवारे, देखो कोई मौसी सोई नासों में से सासों में से। घर 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 हो रही है चूहो म्याऊ सो रही है, बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले। उल्टो मटका देकर झटका जो कुछ पाओ चटकर जाओ, आज हमारा दूध दही है चूहो म्याऊ सो रही। मूछ मरोरो पूछ सिकोरो नीचे उतरो चीजें कुतरो, आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही। आज मची है चूहा साही डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहो म्याऊ सो रही है। बच्चों, इस कविता में कवि ने एक दिन बिल्ली मौसी के सो जाने पर चूहों को मनमानी करने हेतु ललकारा है। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि घर के पीछे और छत के नीचे पांव पसारे पूछ सवारे बिल्ली मौसी सो रही है, उसकी सांसों में से घर घर की आवाज़ें आ रही है। बिल्ली सोई है और रसोई घर में खाने पीने की चीज़ों से भरे हुए पतीले और रसीले चने रखे हैं। कवि चूहों से कहता है कि झटका देकर मटके को उलट दो और जो कुछ मिले उसे चट कर जाओ, आज तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, आज तुम किसी भी चीज़ को कुतर सकते हो। तुम अपनी पूछ मरोरो पूछ सिकोरो या कितना भी तबाही मचा दो, आज कोई कुछ कहने वाला नहीं है क्योंकि आज बिल्ली सो रही है, आज घर पर तुम्हारा ही राज है। मज़ा आया ना बच्चों? आप लोग इस कविता को याद करके अपने कॉपी में लिखिएगा। बाय बाय।